नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है डाटा या तथ्य या सूचनाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे तथ्य क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। विज्ञान एक ऐसी पद्धति तथा दृष्टिकोण है जिसके द्वारा मानव के सामाजिक पर्यावरण एवं उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। मानव से संबंधित विभिन्न घटनाओं परिघटनाओं के कार्य कारण संबंध का पता लगाकर वैज्ञानिक विधि के माध्यम से नवीन तथ्यों या पुराने तथ्यों की वैज्ञानिक वैधता की जांच की जाती है। विज्ञान तथ्य एकत्रित करता है और उन तथ्यों के आधार पर सांसारिक परिघटनाएं जो मानवीय अनुभूति के अंतर्गत आती है के संदर्भ में सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिक ज्ञान में तथ्यों तथा सिद्धांतों का समावेश होता है। तथ्य एवं सिद्धांत के विषय जो जन सामान्य की धारणा है वह वैज्ञानिक धारणा से पृथक है। जन सामान्य की धारणा के अंतर्गत तथ्यों को निश्चित एवं अविवादास्पद इत्यादि गुणों से युक्त एवं स्वयं सिद्ध माना जाता है। किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए तथ्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधिकांशतः वैज्ञानिक विवरणों में तथ्य शब्द का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है, लेकिन इसको परिभाषित करना एक दुष्कर कार्य है, कठिन कार्य है। टीवी यंग ने साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखा है कि तथ्य एक ऐसा शब्द है जिसको परिभाषित करना बहुत ही कठिन है। यंग का तर्क है कि तथ्य केवल मूर्त वस्तुओं तक सीमित नहीं है, अमूर्त वस्तुओं भी तथ्य के अंतर्गत आती हैं। सामाजिक विज्ञान में विचार, अनुभव एवं भावनाएं आदि अमूर्त वस्तुओं को भी तथ्य के अंतर्गत रखा जाता है। तथ्य की परिभाषाओं पर हम चर्चा करते हैं। टीवी यंग ने तथ्य को परिभाषित करते हुए साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखा, तथ्यों को ऐसे भौतिक, शारीरिक, मानसिक या उद्वेगात्मक घटनाओं के रूप में देखा जाना चाहिए जिनकी निश्चयपूर्वक पुष्टि की जा सकती है एवं जिन्हें भाष्य की दुनिया में सच कहकर स्वीकार किया जाता है। फेयरचाइल्ड ने डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में तथ्य की दो परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले, तथ्य एक घटना है जिसके अवलोकनों एवं मापों के विषय में सभी में बहुत अधिक सहमति पाई जाती है। दूसरा, तथ्य कोई प्रदर्शित किया गया या प्रकाशित किया जाने वाला वास्तविक मत या विषय है। गुड्डे और हॉट ने मेथड्स इन सोशल रिसर्च में कहा, तथ्य एक अनुभव सिद्ध सत्यापनीय अवलोकन है। अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं तथ्य की विशेषताओं। सबसे पहली विशेषता है, तथ्य एक ऐसी घटना है जिसे भाष्य की दुनिया में सच कहकर स्वीकार किया जाता है। दूसरी विशेषता है, तथ्य का संबंध ऐसी घटनाओं से होता है जो वास्तविक रूप में घटित होती है या वास्तविक रूप में विद्यमान रहती है। तीसरी विशेषता है, तथ्य के संबंध में अगर किसी को कोई शंका होती है तो वह इसकी पुनर्परीक्षा कर सकता है। इस तरह तथ्य एक ऐसी घटना है जिसे सभी सच मान सकते हैं या शंका होने पर उसकी जांच कर सकते हैं। जिस घटना की पुनर्परीक्षा या जांच संभव नहीं है उसे तथ्य नहीं कहा जा सकता। अगली विशेषता है, तथ्य अमूर्त एवं मूर्त होते हैं। इस प्रकार घटना को मूर्त रूप में देखा जा सकता है, साथ ही इसे भौतिक या शारीरिक, मानसिक या उद्वेगात्मक घटनाओं के रूप में देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं तथ्य संकलन के स्रोत की, सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन। किसी भी सर्वेक्षण या शोध के लिए आंकड़ों का संकलन नितांत आवश्यक है। जब तक शोध विषय से संबंधित तथ्यों को निश्चित प्रविधियों से काम में लेते हुए एकत्रित नहीं किया जाएगा तब तक शोध के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, न ही नियमों का प्रतिपादन किया जा सकता है। आंकड़ा संग्रह शोध प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण है। समाज विज्ञानों के अंतर्गत आंकड़ों को एकत्रित करने की आवश्यकता का अनुभव उस समय होता है जब हम तथ्यों के आधार पर
उनका विश्लेषण एवं विवेचन करते हुए सामाजिक वास्तविकता के संदर्भ में सही परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। तथ्यों के स्रोत का तात्पर्य यह है कि आंकड़ों का संकलन किन स्रोतों एवं ढंगों के माध्यम से किया गया है। तथ्य संकलन के स्रोतों एवं ढंगों के चयन में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। यदि तथ्य विश्वसनीय नहीं हुए तो संपूर्ण शोध कार्य निरर्थक हो सकता है। अतः तथ्य संकलन के स्रोत एवं ढंग को शोधकर्ता को भली भांति समझ लेना चाहिए, जिससे शोध की गुणवत्ता बनी रहे। सामाजिक शोध का विषय चूंकि मानव या मानव समूह से संबंधित होता है, जिसे शोधकर्ता अपनी सुविधा अनुसार या आवश्यकता अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकता, अतः उसको सूचना प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। कुछ बातें हैं जैसे शोधकर्ता व्यक्ति समूह या समुदाय से प्रत्यक्ष वार्तालाप करें और विषय या समस्या के संबंध में उनके विचारों प्रतिक्रियाओं को जानने का प्रयास करें। शोध विषय से संबंधित व्यक्ति समूह या समुदाय की क्रियाकलापों व्यवहारों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करें और इसी आधार पर सूचनाओं को संकलित करें। शोध कार्य के समय उन दस्तावेजों तथ्यों या सूचनाओं का उपयोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करें जो किसी अन्य अध्ययन या शोध हेतु एकत्रित किए गए थे। तथ्य संकलन के स्रोतों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन। संकलित सामग्री या आंकड़े यद्यपि अपनी प्रारंभिक अथवा मौलिक अवस्था में मिले जुले रूप में होते हैं, अतः संकलित कारण प्रभाव जानने एवं निष्कर्षों को प्रमाणित करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। वास्तव में तथ्य ही वह मार्ग है जिनकी सहायता से शोध को एक विशिष्ट स्वरूप प्राप्त हो सकता है। तथ्यों के संकलन का महत्व हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे सामाजिक शोध का वास्तविक प्रारंभ आंकड़ों के संकलन से प्रारंभ होता है, जिसका वर्गीकरण एवं व्याख्या करने से महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जब कभी भी किन्हीं तथ्यों की परीक्षा अथवा पुनर्परीक्षण करने की आवश्यकता महसूस होती है या की जाती है, तब पुनः नए तथ्यों को संकलित करना आवश्यक हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि कार्य शुरू करने से लेकर अंत तक किसी न किसी रूप में सामग्री की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इन्हीं आंकड़ों के द्वारा विषय से संबंधित प्रवृत्तियों को ज्ञात किया जाता है। संकलित तथ्यों के द्वारा ही किसी समस्या अथवा घटना के कारणों एवं परिणामों को ज्ञात किया जा सकता है। प्रत्येक समस्या अथवा घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, जिससे शोधकर्ता एकत्रित आंकड़ों की सहायता से ही समझ सकता है। आंकड़ों के संकलन के लिए शोधकर्ता को अध्ययन समूह अथवा समुदाय के सामान्य जन जीवन में प्रवेश करना पड़ता है, अतएव वह जीवन के साधारण तथा विशेष दशाओं से उनके स्वाभाविक अथवा वास्तविक रूप से परिचित हो जाता है। संकलित आंकड़े मात्र विभिन्न घटनाओं के मध्य कार्य कारण संबंध ज्ञात करने में ही सहायक नहीं होते, बल्कि इनके आधार पर समस्याओं का समाधान करना भी संभव हो जाता है। तथ्य संकलन द्वारा विभिन्न घटनाओं तथा अनेक तथ्यों की जानकारी हो जाने पर उनमें तुलना भी की जा सकती है। एक ही समय में अनेक परिस्थितियों के अंतर्गत भी विभिन्न तथ्यों की तुलना की जा सकती है अथवा समय अनुसार एक ही समूह की दशाओं में भी तुलना करना संभव हो जाता है। एक ही क्षेत्र में समय समय पर तथा एक ही समय पर विभिन्न क्षेत्रों में आंकड़ों का संकलन करने से सामाजिक परिवर्तन एवं उनकी प्रवृत्ति का ज्ञान हो जाता है। अनेक आंकड़ों की जानकारी जो सर्वप्रथम संकलन के दौरान ही प्राप्त हो जाती है, विभिन्न सामाजिक विशेषकर विघटनकारी समस्याओं को दूर करने में सरकारी प्रशासन को सहायक सिद्ध होती है। राष्ट्र का संपूर्ण कार्य प्रारंभिक छानबीन सर्वेक्षणों द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक सूचनाओं पर आधारित होता है। राष्ट्रीय योजना आयोग स्वयं ही किसी परियोजना को लागू करने से पूर्व संबंधित समस्या में रुचि रखता है और परिणाम स्वरूप ही
विकास कार्यों की रूपरेखा बनाता है। योजना आयोग को अब नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया है। अब हम चर्चा करते हैं तथ्य संकलन के स्रोत। सूचनाएं एकत्रित करने के लिए साधन को आंकड़ों के संकलन का स्रोत माना जाता है। सामान्य रूप से ये शोधकर्ता पर निर्भर है कि वह किन किन स्रोतों से अपनी समस्या से संबंधित सामग्री का संकलन करे। शोध की आवश्यकता एवं उद्देश्यों पर भी यह निर्भर करता है कि कौन से स्रोत आंकड़ों के लिए आवश्यक है। आंकड़ों के संकलन के स्रोत जितने अधिक विश्वसनीय एवं सुलभ होंगे, सामग्री के संकलन की उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी डाटा, प्राइमरी सोर्सेस। क्षेत्रीय स्रोत वे स्रोत होते हैं जो प्राथमिक स्तर पर तथ्यों के संकलन में सहायक होते हैं। पीएच मान ने कहा, प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो प्रथम बार सूचनाएं प्रदान करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये तथ्य संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए तथ्यों का मौलिक स्वरूप होते हैं। प्राथमिक स्रोत को और अच्छे से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जब शोधकर्ता स्वयं अपने अध्ययन क्षेत्र या समग्र की इकाइयों से संपर्क करके तथ्य एकत्रित करता है, वहाँ इसे तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। इसके अंतर्गत शोधकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र में कुशलतापूर्वक कार्य करना पड़ता है और उसी कुशलता के दौरान अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची आदि प्रविधियों के माध्यम से शोध से संबंधित सूचनाओं को संग्रहित करना होता है। इसके अंतर्गत जीवित व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जिन्हें लंबी अवधि के दौरान सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों के विषय में पर्याप्त ज्ञान होता है। ये व्यक्ति वर्तमान परिस्थितियों के साथ साथ अवलोकन योग्य प्रवृत्तियों एवं महत्वपूर्ण घटनाओं का समुचित वर्णन प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं। अब हम बात करते हैं अवलोकन की, ऑब्जर्वेशन। यह तथ्यों को एकत्रित करने का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने क्षेत्र में जाकर संबंधित घटनाओं एवं व्यवहारों का अध्ययन करता है। यह काम वह घटनाओं एवं कार्यक्रमों में आंशिक रूप से भाग लेकर अथवा मात्र दर्शक के रूप में भाग लेकर कर सकता है। इस प्रकार सहभागिता को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यक्ष अवलोकन के तीन रूप सामने आते हैं, जिन्हें सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन कहा जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सहभागी अवलोकन की। इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं उस घटना में सम्मिलित होकर पूर्ण रूप से भाग लेता या सहभागिता करता है तथा उस स्थिति में अपने अन्य साथियों जैसा ही आचरण एवं व्यवहार करता है। वहाँ वह अन्य भागीदार के समान होता है। इसमें शोधकर्ता अन्य साथियों से घुल मिल जाता है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहजता से सूचनाओं को संग्रहित करता है। अब हम चर्चा करते हैं अर्ध सहभागी अवलोकन। इसमें अवलोकनकर्ता पूर्णतया भागीदार न बनकर आवश्यकता के अनुसार कुछ सीमा तक स्वयं भी सम्मिलित हो जाता है तथा कुछ दशाओं में वह अपने को पृथक रखता है ताकि वह अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को समझ सके। इसे हम अर्ध सहभागी अवलोकन कहते हैं। तीसरा है असहभागी अवलोकन। इसमें सर्वेक्षणकर्ता घटनाओं अथवा कार्यक्रमों में स्वयं किसी भी स्तर पर अथवा किसी भी सीमा तक सम्मिलित नहीं होता, बल्कि उसकी मात्र अज्ञात दर्शक की भूमिका होती है। ये हुआ अवलोकन, सहभागी, अर्ध सहभागी और असहभागी अवलोकन। उसके तीन प्रकार पर हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं साक्षात्कार, इंटरव्यू। इस विधि के माध्यम से शोधकर्ता स्वयं सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके सूचनाएं एकत्रित करता है। सूचनादाताओं का स्थानीय समस्याओं से घनिष्ठ संबंध होता है तथा समस्या से संबंधित अन्य स्रोतों का भी ज्ञान होता है, अतः उनसे निजी स्तर पर वार्तालाप द्वारा
विश्वसनीय एवं लाभप्रद जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विचार, मनोवृत्ति एवं भावनाओं से संबंधित विषयों की जानकारी के लिए साक्षात्कार विशेष उपयोगी है। ये मौखिक अन्वेषण का प्रमुख तरीका है। अब हम चर्चा करते हैं अनुसूची की, शेड्यूल। अनुसूची भी साक्षात्कार की भांति मौखिक अन्वेषण का एक तरीका है, जिसे शोधकर्ता सूचनादाता के पास जाकर समस्या या विषय से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को स्वयं भरता है। इसमें प्रश्न तथा रिक्त सारणियां दी हुई होती हैं। अनुसूची का उद्देश्य सूचनादाताओं से उत्तर प्राप्त कर शोध में वैश्विकता लाना है। यह पद्धति अत्यंत लाभप्रद एवं उपयोगी है। इसमें प्रश्नों को तोड़ मरोड़ या घटा बढ़ाकर नहीं पूछा जा सकता। प्रश्नों का क्रम एक समान रहता है। प्रश्नों के लिखित रूप में होने के कारण शोधकर्ता को आवश्यक रूप से इन्हें याद नहीं करना पड़ता। अनुसूची द्वारा प्राप्त सूचना निष्पक्ष होने के कारण अत्यंत उपयोगी होती है। अनुसूची द्वारा अशिक्षित लोगों से भी सूचना प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती है। कुछ स्थानीय भाषा के कारण थोड़ी कठिनाई का सामना करना स्वाभाविक है, जिसका निवारण वहाँ के स्थानीय लोग जो पढ़े लिखे हैं उनके द्वारा किया जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्नावली पर। यदि अध्ययन क्षेत्र विस्तृत हो तथा शोधकर्ता के लिए ये संभव न हो कि अध्ययन की प्रत्येक इकाई से संपर्क किया जाए, तब वह प्रश्नावली के माध्यम से प्राथमिक स्रोतों का संकलन करता है। प्रश्नावली में शोधकर्ता विषय या समस्या से संबंधित व्यक्तियों को डाक द्वारा या किसी अन्य माध्यम से प्रश्नावली भेज देता है और उत्तरों की प्राप्ति इन्हीं माध्यमों से करता है। विस्तृत क्षेत्र से सूचनाएं एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली एक सरल एवं सुगम साधन है। अब हम चर्चा करते हैं द्वितीयक स्रोतों की, सेकेंडरी सोर्सेस। सामग्री के प्रलेखीय स्रोतों का आशय उन स्रोतों से है जिनसे प्राप्त सूचनाएं प्रथम स्तर की नहीं होती, अर्थात उनका संग्रहण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले किया हुआ होता है। द्वितीयक स्रोतों की सामग्री प्राय प्रकाशित अप्रकाशित रूप में हो सकती है, जिनमें शोधकर्ता को अन्य उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। प्रलेखीय स्रोतों के अंतर्गत प्रकाशित एवं अप्रकाशित ग्रंथ, सर्वेक्षण रिपोर्ट, यात्रा वर्णन पत्र, डायरी, संस्मरण, ऐतिहासिक प्रलेख, सरकारी आंकड़े आदि प्रमुख हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्यक्तिगत प्रलेख। सामान्यतः ये लिखित सामग्री होती है जिसमें व्यक्तिगत संबंधों एवं सामाजिक गतिविधियों के बारे में एक विशेष एकांगी दृष्टिकोण से विचार व्यक्त किए जाते हैं। इसमें लिखने वाले का कोई विशेष शोधात्मक दृष्टिकोण नहीं होता। व्यक्तिगत प्रलेखों में सामान्यतः लिखने वाला अपनी एवं सामाजिक आवश्यकता को देखते हुए अपने विचार के आधार पर व्यक्तियों एवं सामाजिक घटनाओं पर अपने दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता है। व्यक्तिगत प्रलेख सामान्यतः उच्च कोटि के विद्वानों, दार्शनिक, राजनेताओं, साहित्यकारों, कवियों एवं अन्य कलाकारों द्वारा लिखे जाते हैं एवं इन प्रलेखों में विस्तृत जानकारी होने के कारण शोधकर्ता के सामने ये प्रश्न रहता है कि वह किस किस सामग्री का अर्थपूर्ण ढंग से अपने शोध के लिए उपयोगी समझकर प्रयोग कर सकता है। चूंकि इन प्रलेखों में लेखक के व्यक्तिगत अनुभव की कमी होती है, अतः उनके आंतरिक संसार का ज्ञान शोधकर्ता को सुगमता से हो जाता है और वह ये निष्कर्ष निकालने में अधिक सफल होता है कि अमुक घटना के पीछे लेखक का क्या दृष्टिकोण था। मोजर ने इसी पर लिखा है कि व्यक्तिगत प्रलेख अपने बिना मांगे रूप में मूल्यवान होते हैं। किसी विशिष्ट सामाजिक सर्वेक्षण में भी शोधकर्ता को प्रारंभिक खोज एवं परिकल्पना निर्माण के साधन के रूप में उसका मार्गदर्शन करते हैं। व्यक्तिगत प्रलेख में हम लाइफ हिस्ट्री की बात करते हैं, जीवन इतिहास। जीवन इतिहास वस्तुतः विस्तार पूर्वक लिखी गई लेखक की आत्मकथा होती है एवं इस आत्मकथा में लेखक के व्यक्तिगत जीवन और उसके आंतरिक एवं बाह्य संसार की झलक
दिखाई देती है। जीवन इतिहास का आशय किसी व्यक्ति की विस्तृत आत्मकथा से है। यह उन विख्यात व्यक्तियों द्वारा लिखा जाता है जिनके जीवन का सामाजिक घटनाओं से प्रत्यक्ष संबंध होता है। जीवन इतिहास के अध्ययन में शोधकर्ता को अनेक बातों का पता होता है जिन्हें किसी अन्य तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जीवन इतिहास के सामान्यतः दो रूप देखने को मिलते हैं। प्रथम आत्मकथा, जिसे व्यक्ति अपने विषय में स्वयं लिखना या तथा द्वितीय जीवन चरित्र, जिसे कोई अन्य किसी व्यक्ति की जीवन संबंधी घटनाओं के बारे में लिखता है। इसमें सामान्यतः प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन चरित्र ही लिखे जाते हैं। डायरी में दैनिक घटनाओं तथा उसके प्रति व्यक्तिगत प्रक्रियाओं का उल्लेख रहता है। इसमें व्यक्ति अपने विषय में नहीं लिखता, वरन उन लोगों के विषय में भी लिखता है जो उनके संपर्क में आते हैं। गोपनीय तथा अज्ञात तथ्यों को एकत्रित करने की डायरियों का विशेष महत्व होता है। पत्र, द्वितीयक स्रोत का एक महत्वपूर्ण साधन व्यक्तिगत पत्र भी होते हैं। पत्र के माध्यम से लेखक के वास्तविक विचार, भावना एवं दृष्टिकोण का पता आसानी से लग जाता है। सामाजिक जीवन जैसे विवाह, प्रेम, तलाक अथवा अन्य संबंधों पर लिखे पत्र वास्तविकताओं का चित्रण करने के साथ साथ राजनीतिज्ञों द्वारा लिखे गए गुप्त पत्र देश की विदेश नीति का रहस्योद्घाटन भी कर सकते हैं। राष्ट्राध्यक्षों के मध्य पत्र व्यवहार से पता चल सकता है कि देशों के आपसी संबंध कैसे रहे हैं, मधुर अथवा कटु। पत्र शिक्षण एवं प्रशिक्षण के भी अच्छे साधन हैं। संस्मरण, मनुष्यों द्वारा अपने जीवन की अनेक घटनाओं आदि का संस्मरण बहुधा शोध हेतु सूचनाएं प्रदान करता है। द्वितीयक स्रोत की जानकारी प्राप्त करने का एक और महत्वपूर्ण आधार है संस्मरण। संस्मरण किसी देश एवं समाज की आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक परिस्थितियों के बारे में वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। हैनसांग, फाइयान आदि का संस्मरण आज भी भारतीय इतिहास की कुछ घटनाओं का चित्रण अपने ढंग से करता है, जिससे यह एक वास्तविक एवं विश्वसनीय स्रोत का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। सार्वजनिक प्रलेख, सार्वजनिक प्रलेख सार्वजनिक संस्था या समाज, जाति इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में उनके क्रियाकलापों के रिकॉर्ड, सरकारी दफ्तरों के दस्तावेज आदि के रूप में हो सकते हैं। ये प्रलेखीय स्रोतों का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। किसी सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर सरकारी या गैर सरकारी संस्था के द्वारा सार्वजनिक प्रलेख तैयार किए जाते हैं। कभी कभी व्यक्तिगत स्तर पर भी संकलित किए जाते हैं। यदि उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए काम में लाया जाना हो, ऐसी सूचनाओं को सार्वजनिक प्रलेख के अंतर्गत रखते हैं। सार्वजनिक प्रलेखों को सामान्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रकाशित प्रलेख। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रतिवर्ष कई तथ्य प्राथमिक रूप से संकलित किए जाते हैं, जिन्हें सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रकाशित करा दिया जाता है। उनके लिए ये तथ्य प्रकाशित प्रलेखों में तथ्य संकलन का प्रलेखीय स्रोत बन जाते हैं। प्रकाशित प्रलेखों में शोध संस्थाओं के प्रतिवेदन, व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रतिवेदन, समितियों एवं आयोगों के प्रतिवेदन, व्यावसायिक संस्थाओं एवं परिषदों के प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन, पत्रिकाएँ, सरकारी बजट, जनगणना प्रतिवेदन आदि आते हैं। अप्रकाशित प्रलेख, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा एकत्रित सूचनाओं को उनकी गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रकाशित नहीं की जाती, जबकि कुछ सूचनाएं आर्थिक या अन्य कारणों से प्रकाशित नहीं हो पाती हैं। प्रतिरक्षा मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं की गोपनीयता को बनाए रखने के उद्देश्य से उनका प्रकाशन नहीं कराया जाता। इस प्रकार की सामग्री को अभिलेख कहा जाता है। ये अप्रकाशित दस्तावेज भी प्रलेखीय स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। इसमें सामान्यतः शोधकर्ताओं के प्रतिवेदन, पांडुलिपियाँ तथा अप्रकाशित लोकगीत, लोक संस्कृति, शिलालेख, लोक गाथाएँ आदि सम्मिलित हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने चर्चा की तथ्य से संबंधित, तथ्य क्या होते हैं, उनका अर्थ
कुछ परिभाषाएं, तथ्य संकलन के स्रोत, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, जिसमें हमने प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत अवलोकन हुआ, प्रश्नावली हुई, शेड्यूल यानी कि अनुसूची हुई, इसके अलावा इंटरव्यू हुआ, इस पर हमने चर्चा की। इसके अलावा हमने द्वितीयक स्रोतों पर भी चर्चा की, जिसमें हमने डायरी, संस्मरण, अभिलेख इस इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।